सामने आए हैं कि रैपिड टेस्ट होने के बाद संदिग्ध को छोड़ा जा रहा है और कुछ दिन बाद वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे कोरोना फैल रहा है सर, उसको लेके क्या है? पहली बात तो फैलने की बह जहाँ तक तो अब थमने लगा है। भोपाल में भी आप देखेंगे 250, 300, 200 केस आते थे, अब 100 के नीचे आने लगे। रैपिड टेस्ट हो या कोरोना टेस्ट जो हो रहा था वो हो, संदिग्ध को पकड़ के अस्पताल में नहीं रख सकते जब तक उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती। पॉजिटिव रिपोर्ट रैपिड टेस्ट से आए या दूसरे टेस्ट से आए, उसके बाद उसको अस्पताल में रखा जाता है। हालात इसलिए ठीक हो रहे हैं कि जैसा आपने देखा होगा कल भी 700 कुछ नए केस आए थे और 800 कुछ नए केस डिस्चार्ज हुए थे, आने से संख्या जाने की ज़्यादा है। एक बात मैं कोरोना के बारे में फिर दोहराना चाहता हूँ कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कि कृपा करके मंदिरों में भीड़ की स्थिति न बने, हमें सावधानी से कोरोना से लड़ना है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे और कम्युनिटी में वायरल हुआ तो दिक्कत आएगी। माननीय गणेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है और इसलिए इसमें बड़ी मूर्तियां नहीं रखना है। घर के बाहर पंडाल लगा के माइक लगा के ये कार्यक्रम नहीं करना है, ऐसा केंद्र की गाइडलाइन है। कोई भी मुहर्रम पे ताजिए वगैरह मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, गुजारिश है, केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप ताजिए वगैरह न तो निकालना है ना ही उनका निर्माण ऐसा करना है। घर के अंदर जो आराधना पूजा पद्धति से आप कर सकते हैं वो करें सर, लेकिन बाजार की स्थिति भी देखने को